नमस्कार। ये एक मात्र कार है आज भारत में जो कि मुझे कंफ्यूज कर दी है, दो साइड इस कार को देखने की। जब मैं एक एज ए जर्नलिस्ट, एज ए क्रिटिक, समीक्षक के तौर पे मैं इस गाड़ी को देखता हूँ तो मुझे 2022 में इस गाड़ी के होने का कोई लॉजिक नज़र नहीं आता है। लेकिन जब एज ए कार एंथुजियास्ट, एज ए रेगुलर व्यूअर जब मैं देखता हूँ तब मुझे इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है इस गाड़ी में जो कि इसके अलावा कोई और ऑफर कर ही नहीं सकता है। चलिए बात करते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 है, अच्छा खासा मैंने इसको चला लिया है, इंजन नया है, कई चीज़ें नई है। बात करते हैं गाड़ी क्या कुछ देती है, क्या कुछ नहीं देती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। अब एक्सटीरियर में जो है स्कॉर्पियो लगती है एकदम धाकड़, मतलब ये अपराइट स्टांस आप देखो पूरा एकदम ऊंचा ऊंचा, और जिस तरीके से ओवरऑल मस्कुलाइन लुक इस गाड़ी का आता है वो सभी लोगों को पसंद है इस गाड़ी में। स्पेशली ब्लैक कलर में मैं लेके आया हूँ, ब्लैक कलर में और ज़्यादा चीज़ें जो है निखर के इसमें आती है। अब आई एम श्योर महिंद्रा ने जब पहली बार स्कॉर्पियो डिज़ाइन की थी तब उनको भी नहीं पता होगा कि चीज़ इतनी आइकॉनिक बन जाएगी, और साथ ही में जो धीरे धीरे छोटे 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 अपडेट स्कॉर्पियो में आते रहे हर एक चीज़ उस ओवरऑल मस्कुलाइनिटी को ऐड करती गई, मतलब वो ओवरऑल माचोइज्म जो है इस गाड़ी में आता रह गया। और अभी भी वो अपराइट स्टांस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी के लिए दिखती है, एकदम बाहर से एकदम खड़ी ऐसे ऊंची सी गाड़ी। लेकिन 2022 के स्टैंडर्ड से ये गाड़ी इतनी अपराइट है, इतनी नॉन एरोडायनेमिक है कि भैया एक सर्टन स्पीड के बाद में इस गाड़ी में आती है भयंकर विंड नॉइज। हर जगह से जो है आपको आवाज़ अंदर आती हुई सुनाई देती है विंड की। इंजन में जो है वो रिफाइंड हो गए हैं तो उनकी तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, बट ओवरऑल विंड नॉइज जो अंदर आती है प्लस एक सर्टन स्पीड के बाद में जो है हाई चेसी और जिस तरीके का वेट गाड़ी का जो है ऊपर की तरफ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे नहीं है, उस वजह से गाड़ी जो है वो इधर उधर डोलती है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लूज होता है इस गाड़ी को चलाने में। अगर आप 80 से ज़्यादा की स्पीड कर रहे हो और अचानक से लेन चेंज करने जाते हो तो इस गाड़ी का जो मूवमेंट है वो आपको सच में डरा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ एकदम से जो है कॉन्फिडेंस खो दोगे, ऐसा कुछ मैंने इस गाड़ी को अच्छा खासा जो है चलाया, 2000 किलोमीटर 3 अलग अलग कंट्रीज में चलाया, वो भी इसके पुराने वेरिएंट जिसके जो है सस्पेंशन और ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस और कम देते थे, वो उसको चलाया है और वो भी मुझे कहीं पर भी ऐसे खतरनाक टाइप नहीं लगा, बट वो कॉन्फिडेंस कभी भी मुझे उस गाड़ी के साथ में नहीं आया। उसके बाद ये गाड़ी काफ़ी अनसेफ भी है, मतलब ऐसा कोई प्रूवन सेफ्टी चीज़ जो है इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में नहीं है, बट जिस चैसी पे ये गाड़ी ओवरऑल इवॉल्व हुई है, ऑन पेपर जो सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं हर एक चीज़ को जब आप कंबाइन करोगे तो इवन आज के महिंद्रा के स्टैंडर्ड से भी जो है ये बहुत ही अनसेफ कार मानी जाएगी। लीव असाइड ओवरऑल ग्लोबल सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह, इनफैक्ट महिंद्रा की कार थी जो इंडिया में इतनी ज़्यादा मतलब सम अमंग दी सेफेस्ट कार्स हो रही है, उस स्टैंडर्ड में भी जो है काफ़ी अनसेफ है। लेकिन बात यह है कि सेफ्टी एक सेकेंडरी चीज़ है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको ये वाला स्टांस चाहिए। मतलब 90% गाड़ियाँ जो आपके इर्द गिर्द चल रही है उनकी छत आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हो, ये इस गाड़ी का स्टांस है। और जिस साइज़ की ये गाड़ी है, जो विजिबिलिटी ये ऑफर करती है इन मतलब ए पिलर या ओवरऑल आगे पीछे जिस भी तरीके से जो विजिबिलिटी ऑफर करती है, साइज़ की होने के बावजूद आप छोटे मोटी जगहों से कहीं भी आपको ट्रैफिक में निकालना है, गांव खेड़ों में निकालना है, हर जगह से आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में गाड़ी को निकाल सकते हो। साइड में ओवरहैंग भी ऐसा कुछ नहीं है तो जब आप ऐसे देखते हो तो आपको सीधा गाड़ी नीचे दिखती है, मतलब आप क्लोज जगहों से भी जो है इस गाड़ी को निकाल सकते हो, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है वो आपको स्कॉर्पियो ही दे सकती है। अगर आप बात करोगे इंटीरियर की तो इंटीरियर्स में सबसे पहले स्पेस की कमी है, स्पेशली ये बीच वाली जो रो है यहाँ पे, मतलब उतना कुछ खास स्पेस जो है आपके पास में लेग रूम में नहीं रहता है। अभी 6 फुट के बंदे के हिसाब से आगे सेट जो है करेंगे, हेडरूम की कोई कमी नहीं भाई साहब, वो नहीं हो सकती। बट प्रॉब्लम स्टार्ट जब आप गाड़ी में नोटिस करने लग जाओ कि ओवरऑल प्रैक्टिकल स्पेसेस की कमी है। यहाँ एक फ़ोन जैसा कुछ रखने की जगह दी गई जिसमें फ़ोन प्रॉपरली घुस नहीं पाएंगे, एक छोटा सा बॉटल होल्डर है, यहाँ कुछ जगह बनाई गई, यहाँ कुछ जगह बनाई गई है, यहाँ पर भी एक कप होल्डर जो टेढ़ा यहाँ पर दिया गया है, कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल और लॉजिकल स्पेसेस जो है ओवरऑल यहाँ पे नहीं रखते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि गाड़ी में जो है अंडर थाई सपोर्ट और वो सब चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, यहाँ पे इवन बेंच सीट, अगर कैप्टन सीट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, तो 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं कहीं ना कहीं इर्द गिर्द। स्पेशली जो ये वाला वेरियंट है जिसमें सीट्स पीछे की तरफ ऐसे फेसिंग है, साइड फेसिंग सीट्स हैं, उस वाले में बैठ सकते हो। बट एक और चीज़ है और वो चीज़ है गाड़ी में ओवरऑल फिट एंड फिनिश। मतलब बेसिकली ये गाड़ी जब डिज़ाइन की गई थी तो आई डोंट थिंक महिंद्रा को फिट एंड फिनिश का मतलब ही पता था। ये चीज़ सुनकर महिंद्रा मेरे को ब्लॉक ना कर दे। इस गाड़ी में आप कई जगहों पे ऐसी चीज़ें देखोगे जो फिट एंड फिनिश के कैटेगरी में तो आती नहीं है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने किया है। स्पेशली ये जो एजेस देखोगे कुछ कुछ के इतने शार्प है कि आपकी अंगुली जो है कट जाए अगर आप एकदम सही से उन पे हाथ लगा दो तो। साथ ही में जो चीज़ें ऐड की गई, ऐसे लगता है वो बाद में सोचा गया था, अरे यहाँ यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं चीज़ें, ये लगा दो, एक काम करो इस पे ये कलर चिपकाओ, एक काम करो यहाँ पे ये कलर करो, ये बीच में यहाँ स्पेस छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं छूटने दो, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यहाँ थोड़ा कम है। बहुत ही अलग, बहुत ही वियर्ड फिट एंड फिनिश जो है इंटीरियर्स के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ है इस गाड़ी में जो कि आपको एक बार में नज़र नहीं आएगा, वो है इस गाड़ी का चीप मेंटेनेंस एंड
रिपेयर, मतलब इस गाड़ी को जो है इस हिसाब से, पहले तो बनावट इसकी ऐसी है कि एक बार की आप कहीं चलाते वलाते वक्त ज़्यादा कहीं टच वच नहीं करोगे, ऐसा कुछ मतलब गाड़ी जो है लगेगी वगेगी नहीं। जिस हिसाब से ओवरऑल डायमेंशंस है, जिस हिसाब से मेन टायर्स वायर जो है वो एकदम मतलब कहीं भी गड्ढे में से घुसा दो, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर कुछ हो भी जाए तो भी जो है मोस्टली पार्ट इतने कॉस्टली नहीं है, बिकॉज ओवरऑल इतनी चलती आई है आफ्टर मार्केट, दुनिया भर के कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। इनफैक्ट आपके पास में जो एक्सेसरीज आती है ना, कुछ कुछ ऐसे चिपका दो बंपर गाड़ी समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ एक्सेसरीज गाड़ी के साथ में मात्र 200-300 रुपए की आती है जो आप यहाँ पे कहीं पे भी चिपका सकते हो। और ये पार्ट्स जो है इतने ज्यादा बिके हैं कि हर जगह आपको जो है सस्ते में अवेलेबल हो पाएंगे। फिर कुछ कुछ ऐसे एडिशन जैसे कि ये साइड स्टेप जो है अभी एकदम स्ट्रॉन्ग और ऐसा साइड स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि ये इंश्योर करता है कि गाड़ी कहीं टच वच भी हो जाए तो कहीं ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना आए। गाड़ी के मेन बॉडी मतलब पेंट वर्क से पहले जो ये आ जाते हैं, उसके बाद में जो लोअर ट्रिम आता है, अगर कोई एस मॉडल ले रहा है तो S11 है तो उसमें तो कई जगह बंपर पे कलर ही नहीं हुआ होता, तो एक बार की स्क्रैच आया तो पता भी नहीं चलता है बाय गॉड। फिर उसके बाद में आप इंटीरियर में जब आप आओगे, कोई ऐसी खास जगह नहीं है जो कि आप डैमेज कर सको। मतलब क्या होता है आमतौर पर बहुत ही डेलिकेट इंटीरियर होते हैं SUVs के, यहाँ भाई साहब आप एक बार की तोड़ताड़ भी दो, कुछ तोड़ने वाली कोशिश कर लो, कुछ बिगड़ता नहीं है इस गाड़ी का। मतलब क्या तोड़ोगे आप बताओ, क्या तोड़ोगे इस गाड़ी, क्या तोड़ सकते हो आप? मतलब एकदम धाकड़ गाड़ी जो है महिंद्रा ने हमें बनाई है, कुछ भी ऐसी चीज़ है नहीं जो डेलिकेटली टूट जाए। सर ठीक है थोड़ा अब्यूज़ कर दिया मैंने गाड़ी को, ट्रस्ट मी एकदम रफ एंड टफ इंटीरियर है। आपको कुछ कुछ जगह पानी से धोना है ना तो धो दो बाय गॉड। मैंने देखा है लोगों को अपनी स्कॉर्पियो जो है वो ऐसे साफ करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और पानी मार देते हैं सीधा का सीधा, मैट वगैरह के नीचे पानी मार देते हैं। इट्स जस्ट कि ओवरऑल गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी है, तब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और जो दिए गए हैं वो ऐसी जगह पर दिए गए हैं, कोई खास बिगड़ने वाला है नहीं, तो लोग जो उनको उसी तरीके से यूज़ करते हैं। ये तो कुछ नॉर्म्स वॉर्म्स आ गए, सीट बेल्ट वेल्ट रिमाइंडर वगैरह के नॉर्म्स आ गए बाय गॉड। बाकी गाड़ी में नीचे फ्लोर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता था एक जमाने में, लिटरली पानी से धो सकते थे इसको। फिर बात आती है प्राइस वर्सेस ऑफरिंग की, बेसिकली जिस प्राइस में गाड़ी आती है और जो जो फीचर्स दिए जाते हैं। ये गाड़ी यहाँ पे नए इंजन के साथ में आती है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ठीक है पावर कम है बट जिस तरीके से पावर डिलीवर होती है, एक्चुअली ये इंजन पहले वाले इंजन से ज़्यादा बेटर फील होता है। आपको जो है अंदर कैबिन में आवाज़ कम आती है गाड़ी में, साथ ही में आपको जो है ओवरऑल जो फील है, जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी थोड़े थोड़े इंप्रूव किए गए हैं। हाउएवर कई फीचर्स महिंद्रा ने यहाँ पे निकाल दिए, हाइड्रोलिक स्ट्रट तो नहीं निकाले लेकिन कई फीचर जो है वो यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, जैसे कि आपको गाड़ी में किसी भी तरीके के रेन सेंसिंग, वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो नहीं मिलते हैं। गाड़ी के अंदर अगर आप जंप करोगे तो भी आपको कई फीचर्स जो है गायब हुए हुए दिखेंगे, जिसमें से स्पेशली एक चीज़ जो आपको बहुत ही बुरी लगेगी और वो है कि ये जो टच स्क्रीन है, हॉरिबल क्वालिटी की टच स्क्रीन है। मतलब अगर आप, मैं एक बार को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताता हूँ, इस गाड़ी को रिवर्स में लगा के बताता हूँ, हॉरिबल क्वालिटी जो है इस टच स्क्रीन के लिए एक छोटा शब्द है। दिन में ये है, मैंने कॉन्ट्रास्ट को जो है पूरी तरीके से एडजस्ट कर रखा है, कहीं से तो एडजस्ट भी होता है बाय गॉड कॉन्ट्रास्ट, ट्रस्ट मी कहीं से एडजस्ट होता है, अभी नहीं हो रहा है। उसके बावजूद आप इसमें कुछ नहीं देख सकते हो भाई, सिर्फ रात में दिखाती है, पीछे को दिखाना हो आपको तो। उसके बाद में ये टच स्क्रीन इटसेल्फ जो है इतने सारे फीचर्स जो है वो ऑफर नहीं करती है, लेकिन वैल्यू एक और चीज़ से आंकी जा सकती है और वो चीज़ ये है कि स्कॉर्पियो में बैठने के बाद जो माहौल आपको मिलता है, मतलब मैं जब भी स्कॉर्पियो चलाता हूँ मुझे जो माहौल मिला है वो आज तक किसी और गाड़ी से जो है वैसा माहौल मिलना जो है मुश्किल है। मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी और माहौल, महिंद्रा की कुछ गाड़ियाँ थार वार भी ले लो उनका भी वो माहौल नहीं आता, फॉर्च्यूनर का भी वो माहौल नहीं आता। मतलब चांसेस बहुत हाई हैं कि जब आप स्कॉर्पियो लेकर निकलते हो, किसी गाड़ी के पास जा रहे हो, तो आपको साइड दी जाएगी। लोग प्रेफर करते हैं कि भैया इसको जाने दो पहले, अगर उसने नोटिस कर लिया आपको तो, और साथ ही में अगर आप किसी को घूर दो जैसे जैसे देख लो दो नज़र, तो भैया सामने वाला जो है नज़रें हटा लेता है, वो सोचता है कि सामने क्यों घूरना वापस, मैं अपना काम कर लेता हूँ, बजाय कि वो आपको वापस घूरे। अब यही चीज़ जो है आप 16 लाख रुपये में बाकी कोई गाड़ी क्रेटा सेल्टॉस कुछ ले लो और उसमें करने की कोशिश करो, वो बात नहीं बनती भाई। प्लस एक और चीज़, 16 लाख रुपये में ये गाड़ी एक ऐसी कार है जो आप किसी अमीर करोड़पति किसी पॉलिटिशियन को भी अगर दोगे तो वो भी इसमें बैठने में जो है हिचकिचाएगा नहीं, उसके लिए स्टैंडर्ड फिट है। और साथ ही में बदमाश लोगों को तो भले ही इसके सामने करोड़ों की गाड़ी आप रख दो तो भी प्रेफर ये करेंगे कि भैया स्कॉर्पियो में जाना है हमें, तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी की, वो एक अलग ही टॉर अलग ही माहौल है इसका स्कॉर्पियो का है। बेसिकली बात यह है कि महिंद्रा शायद इस गाड़ी को बंद कर भी देता, बट उन्हें भी पता है कि इतनी इमीडिएटली वो इस आइकॉनिक कार का कोई भी रिप्लेसमेंट ला नहीं सकते हैं, कितना भी वो ट्राई कर ले कुछ एकदम से इमीडिएट कोई रिप्लेसमेंट इसका हो नहीं सकता है। और जब जनता डिमांड कर रही है तो भैया बंद करने का लॉजिक क्या है, वो भी पैसा कमाएंगे, जनता भी जो है भोगाल टाइट करके खुश होगी, तो दिक्कत क्या है, बेचो गाड़ी को। बेसिकली ये क्लासिक केस है जहाँ पर आप देख सकते हो कि इमोशंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है रोकड़े से, ये कार्स की इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट आप क्लासिक केस मान सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। और किस गाड़ी पे आप ऐसे बंपर पे खड़े हो सकते हो बताओ मेरे को, मतलब एकदम रगड़ रफ एंड टफ, चलो।